ये कहानी है चोर, किसान और भिखारी की। इस तीनों में से इस कहानी को सुनना है और देखना है ये सही कौन है। ये धरती पे एक मंदिर है, ठीक है, मंदिर, ठीक है, यहाँ पे मंदिर भगवान राम या किसी भी देवी देवता का, किसी भी ठीक है गॉड, ठीक है, हाँ मंदिर है। इसके बाहर जैसे है भिखारी, ठीक है, मतलब B1 B2 डॉ, ठीक है। और एक किसान बहुत मतलब कहता है गरीबी में रहता है, मेहनत करता है, वह अपनी बेटी के लिए कहते हैं ना कुछ, जैसे होता है ना परिवार चलाते तो सभी है कहने का तो किसी न किसी तरह से, और वो अपनी बेटी के लिए कहने का तो ये किसान है, ठीक है। ये किसान यहाँ पे मतलब खेती करके, जैसे कहते हैं ना किसान खेती करके, कहने का तत्पर जैसे भी कुछ जो भी उपार्जन होता है इसको, जैसे कहते हैं ना मतलब धन जैसे अर्जित करता है, तो ये अपनी बेटी के लिए कुछ धन जमा करता है कि बेटी के लिए, इसलिए कि जैसे कहते हैं ना विवाह करना है, ठीक है, विवाह करना है या कुछ धनराशि, जैसे कहते हैं ना जो एक परंपरा वाला सिस्टम, ठीक है, कि करना है और उनके ब्याह में कहने का तत्पर अच्छे से मतलब एक होते हैं ना, हाँ। और ये कड़ी मेहनत करता था किसान यहाँ इसमें, यहाँ पे, ठीक है, अपना ऐसे ही करके ये अपना चला था। अब देखिए ध्यान से, ये चोर, एक चोर यहाँ पे, एक चोर यहाँ पे रख देते हैं, चोर, ठीक है, चोर, चोर जैसे कहते हैं ना चोर का सबका चोरी करता है और कहते हैं अपना अच्छे से, ठीक है, किसी को पता चले, जब पता चलता था तो कुटाई होता था अच्छे से, तो लेवल का जिस स्तर का किस चीज़ की एक सीमा होता है कहने का तत्पर। तो चोर जैसे गिन गया ना घर को, देखा मतलब भिखारी जैसे बैठा है ना, तो भिखारी एकदम भूखे प्यासे थे बैठा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा है, मतलब सही सलामत है, ठीक है, कि वो मतलब उसे इसके कहीं और भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, ठीक है, फिर भी ये दिख रहा है ये भिखारी कहने का तत्पर बैठा हुआ है। अब जो है ये चोर को पता नहीं ये कहीं चोरी करने गया, ठीक है, जैसे होता है ना चोरी करने, तो जैसे कहते हैं ना कि जो किसान के पास जो धन था, ठीक है, उसको क्या किया उसने, चोर ने चुरा लिया, चोर ने किसान से धन चुरा लिया। ध्यान से समझिए, पता करना है सही कौन सा है, एक समझिए सब पे अप्लाई कर दीजिएगा भी हो जाएगा, ठीक है, इससे चोरी कर लिया। अब जैसे किसान थे कहने का तत्पर थे, तो उसका ना जैसे एक तो जीविका में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कि जैसे पूरा धन जैसे कहते हैं उपार्जित करने के बाद जो रखा रहता है कहने का तत्पर या कहीं, तो ये भी हो गया, और ये जो शादी के लिए कहते हैं ना जो कुछ भी धन रखे थे वो चोरी हो गया। अब इसको तो नहीं पता है कि किस चीज़ के, चोर को तो ये नहीं पता है कहने का, तो उसका घर में कोई भी हो में उससे नहीं मतलब है ये चीज़। तो अब क्या हुआ, ये चोर तो ले लिया, लेकिन ये चोर ना इस भिखारी को, ये भिखारी को जहाँ पे जो भिखारी थे उन सब में दान कर देते थे, ये चोर इस भिखारी सबको, ठीक है, दान कर देते थे, और भगवान तो कहते हैं ऊपर वाले सब देखते हैं, और जिसको जो, और चोर जैसे कभी भी गलती करता है तो एक होता है ना, हाँ, जैसे पनिशमेंट के लिए सजा वाला, ठीक है, या कोई गलती करता है तो ये रख देते हम न्यायालय, ठीक है, तो ऐसे रख देते हैं YMB कोर्स, मतलब अब कुछ बड़ा गलती किया या कुछ ऐसी गलती किया, समझ गए ना, जो जघन्य अपराध है जिसका दंड मतलब समझ गए ना अक्षम्य है, मतलब उसको खेल खत्म। तो भाई अब ये पकड़ाएगा कहने का तत्पर, एक मिनट, पकड़ाएगा यहाँ पे, तो फिर कहते हैं ना कुछ समय के बाद कहते हैं ना कि कैसा अपराध है उसके अकॉर्डिंग सजा, और उसके बाद खेल खत्म इसका। तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये हो रहा था, यहाँ पे जो लोग थे P1 P2 P3 पब्लिक, ठीक है, डॉट, अब ये सब कह रहे थे भाई सही कौन है, इसमें से सही कौन है, किसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ सबसे पहले, तो क्योंकि चोर ने जिस मतलब कहने का तत्पर किसान से कहने का तत्पर जो अपना धन उपार्जित करके रख रहे थे कि
ठीक है, कैसे अच्छे से मतलब कि बेटी के विवाह के लिए या किसी चीज़ के लिए मतलब समझिए अच्छे से मेहनत से, अच्छे से मेहनत करके, ठीक है। तो उसका इसने मतलब इसको भी पता नहीं है और इसने ये अपने उसका चुरा लिया। अब ये इसको देखते थे भूखे, कहने का तात्पर्य समझ गए ना, भिखार, तो सबको दान किया। तो अब इसमें से कौन सही है, भिखारी सही है, चोर सही है या किसान सही है, पहले इस बात की थोड़ा सा 30 सेकेंड एक मिनट देते हैं, वैसे तो अनलिमिटेड टाइम है, बस पॉज करके कहने जितना सुनना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे कितने किसने मतलब सही किया, तो यहीं पे आ जाता है भाई ये भिखारी क्यों बना, यानी ये अपने कर्म से भिखारी बना इस जन के या पिछले, समझ गए, अगर नहीं मानते तो। ये चोर कैसे बना, ये अपने कर्म से ही बना, ठीक है, और ये मेहनत करके ये काम कर रहा है। और इसकी जगह आप रख लीजिए कोई जैसे मतलब शॉप है, किसी शॉप में किस चीज़ की मूल्य अगर 8 रुपया और इसको 12 में बेचना है, 12 में बेचना है और ये अगर 12 में ही बेचता है मान लो ये, तो ये तो एक्चुअल काम कर रहा है, लेकिन किसी को ये 12 में बेचता है और किसी को 16 में, तो यहीं पे गलत हो गया कि क्यों क्यों। तो कहते हैं ना कुछ रूल रेगुलेशन अपनी मर्जी, तब कहीं ना कहीं कर्म आता है ना, कहने का तत्पर कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका तो जब क्लियर होगा तो टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे एक, समझ रहे हो ना। तो ये मेहनत कर रहा है कहने का तात्पर, और ये कहने का तात्पर जो भी है ना कहने का जो वो करके इसको 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 अब भगवान यहाँ पे देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, भगवान किसको क्या करे बताइए यहाँ पे। तो भगवान कहते हैं भाई जो जैसे कर्म करोगे उसको वैसे ही फल मिलेगा, तुम्हें वही चीज नसीब होगा, मतलब जो स्वेच्छा से लोग दे दे कहने का तात्पर, ठीक है। क्योंकि एक कहते हैं ना जैसे भोजन तो मिला, सब कुछ मिला, ठीक है, लेकिन इनका भी जो कर्म है वो भी अगर न करे, ठीक है, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी, ठीक है, तो वैसे ही स्थिति में रहेंगे। फिर कोसने के बाद में फिर इसको तो इनसे समझ रहे ना इसको, ठीक है, किसी को भी क्या होना चाहिए, क्या समझना चाहिए, अगर बढ़ावा देंगे तो होगा ही, कहने का तात्पर ये चीज हो रहा था। तो यही चीज हो रहा था यहाँ पे, तो कहा भाई आप वास्तव में है कौन सा ही, तो कहा यही निर्णय करेंगे। कोई कह रहा है ये मेहनत किसान मेहनत करके मतलब अपना सब कुछ कर रहा है, तो किसान सही है, तो किसान सही है, ठीक है, किसान सही है। फिर इसको मतलब अभी कुछ नहीं है ध्यान से, फिर यहाँ पे इसकी चोरी क्यों हो गया, कोई ना कोई ऐसा कर्म होगा ही ना किसी समय का, तो वो तो सभी कोई नहीं जानता है कहने का तात्पर ना, तो ऊपर वाले तो उस हिसाब से जज करते हैं, और जो ये है तात्कालिक वाला सिस्टम जो है ये होता है कहने का तात्पर। तो कहने का तात्पर यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ पे सही अगर देखा जाए, अगर कहानी किसी को नहीं पता है तो इसमें से एक नंबर पे सही कौन है, ये है सही, किसान सही है, क्योंकि वास्तविक अपना मेहनत करके अपना जीविका उपार्जन करता है, ठीक है। बाकी सबको कहते हैं ना कर्म का फल तो मिलता ही है, नहीं तो ऐसी स्थिति समझ गए ना कैसे होते। और जो जैसे ही पकड़ाया चोर कहने का तत्पर, तो फिर अब कहते हैं ना जो इसकी वजह से इसका मतलब कहते हैं ना मतलब नक्शा ही बदल गया इसके, मतलब पूरा जो सिस्टम चल रहा था तो बदल गया, तो भाई इसकी वजह से फिर इसको भी अब इसके पास तो समझ गए ना कुछ नहीं, और ये यहाँ मतलब सजा वाले में पनिशमेंट वाले में, ठीक है, क्योंकि ये दान किए, ठीक है, इस हिसाब से तो मिलेगा मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा कैसे मिलेगा वो तो कहे ना, उसका सबका अलग अलग रूल नियम बना रहता है ना कहने के तौर पर। तो यहाँ पे अब यहाँ पे इसका जो है खातिरदारी अच्छे से हो गया, और यहाँ पे खातिरदारी होने के बाद अगर वैसा पनिशमेंट होना चाहिए तो वैसा यहाँ से कहता है ना जैसे फोर्स एक होता है ना, हाँ वैम फोर्स, तो खेल खत्म, ठीक है। तो इसी तरीके से कहने का तत्पर चल रहा था, कोई अपना चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा था, कह नहीं नाम लोगे, अगर नहीं नाम लोगे तो ठीक है देखते जाओ, दो बढ़ावा जिसे देना है इसे देना है बढ़ावा तो इसे दो, इसे बढ़ावा देना तो इसे दो, और इसे इसकी मतलब सही से करना है तो यहाँ इसके साथ, यहाँ पे आपको कहानी जितना पता होगा उसी साथ, तो इसके साथ न्याय होना चाहिए और न्याय इसके साथ तो होता है,
ठीक है, क्योंकि इतना ही तक है ना, बाकी जो है वो तो होता ही रहता है, ठीक है। अब इसको जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, मेरे हिसाब से आप समझ गए हो इसमें से सही कौन सा है।